Staring at herself in the mirror on the restroom door. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग इजीली कट क्रीज आई मेकअप शेयर करने लगी हूँ, जो कि आपने सबसे पहले ब्लू कलर ले लेना है एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से, जिसे आपने क्रीज लाइन पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्रीज लाइन के ऊपर मर्जेंडा कलर लगाना है, जो कि आपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर देना है। उसके बाद मैंने लिया है कंसीलर। कंसीलर आपने लीड से लेकर क्रीज लाइन तक आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने ब्लू कलर लेना है पेंसिल ब्रश की हेल्प से, जो कि मैं साइड पर आपको कलर मेंशन कर रही हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैं कौन कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ही मैंने इसको सेट कर लिया है एक विंग लाइनर की शेप में। उसके बाद मैंने इसे पाउडर से सेट कर लिया है, ताकि मेरा जो कंसीलर है वो बिल्कुल सेट रहे। मैंने विंग लाइनर से ब्लू कलर लिया है, जो कि मैंने लगाया है। उसके बाद मैंने लाइनर लेना है। लाइनर मैंने बहुत ही बारीक और विंग शेप में लगाना है, इसे थिक नहीं करना। अगर आप थिक करेंगे तो उससे हमारी जो कट करी आई मेकअप सिंपल है वो थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है। तो अगर आपकी फ्रंट से इनर कॉर्नर से अगर आपकी लाइनर सही ना लगे तो उसे आप सेट कर सकते हैं एक कंसीलर से। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी शेड लगा लीजिए, उससे ये पता नहीं लगता। तो नीचे मैंने वाटर लाइन पर पेंसिल ब्रश ब्लेंडिंग पेंसिल ब्रश लेना है, जो कि मैंने ब्लू कलर लगाना है। ब्लू कलर लगाने के बाद यहाँ पर मैं इनर कॉर्नर पर हाफ करके मैं कंसील लगा दूँगी, ताकि मैं कोई भी कलर लगाऊँ वो अच्छे से नज़र आना चाहिए। अब मैंने जी कर लेना है थोड़ा सा दोबारा से ब्लेंड। ये बहुत ही इजीली 5 मिनट में होने वाला मेकअप है। आपने अगर वाइट पेंसिल है वो ले लीजिए, अगर वो नहीं है तो कंसीलर लेकर वो लगा लीजिए। तो आपने बहुत ही इजीली तरीके से इसे मेकअप को कर लेना है। ये हर एक लड़की इजीली कर सकती है। तो मैंने जी लैश अगर आपने लगानी हो तो वो लगा लीजिए, अगर नहीं तो मस्कारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। And his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide.